मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर फूड एंड डाइजेशन। फूड का मतलब होता है भोजन और डाइजेशन का मतलब होता है पचाना। हम जो भी खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा और हम खाते क्या हैं, ठीक है। ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम जो आज सीखेंगे, जो हम समझेंगे, वो होगा अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फूड, कि हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। लिस्ट द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण, पोषक मतलब जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। नो रफेज एंड वाटर, रफेज रेशेदार भोजन क्या होता है, और पानी, ठीक है। डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं उसको कैसे पचा, वो कैसे पचता है वो हम जानेंगे। नो गुड ईटिंग हैबिट्स एंड नीड टू कुक फूड, और अच्छी खाने की आदतें क्या होती हैं और खाने को कैसे पका के खाना चाहिए वो हम इसके बारे इस चैप्टर में आज जानेंगे। लिस्ट सम मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रिजर्विंग फूड, भोजन को किस तरह से हम खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई डू वी फील हंग्री, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भूख महसूस होती है, ये क्यों होती है, आप बता सकते हैं कोई। चलिए मैं बताती हूँ। आवर बॉडी मेक अस फील हंग्री एंड टेल अस That it need food। हमारी बॉडी हमें ये महसूस कराती है बार बार कि हमें खाने की जरूरत है, हमें भोजन की जरूरत है। भूख हमें लगती है तब हमें एहसास होता है कि हमें हम भूखे हैं। Why does it need food? भोजन की जरूरत होती क्यों है। Our body work all the time। हमारी जो बॉडी है वो पूरा टाइम काम करती रहती है। इवन जब हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तो सब जगह हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर हम इतना काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमको किसकी ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी, क्योंकि जहाँ एनर्जी काम करेगी वहाँ हमको भोजन की ज़रूरत होगी। इट वर्क व्हेन वी प्ले, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम खेल रहे हों, चाहे हम खा रहे हों, चाहे हम चल रहे हों, चाहे सांस ले रहे हों, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, चाहे हम दौड़ रहे हों, सब काम में एनर्जी की ज़रूरत होती है। सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर अस्लिप लाइक अ हर्ट। जब हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो कि लगातार कंटिन्यू काम करते रहते हैं, चाहे हम सो रहे हों, जब हम सोते हैं तब भी वो हमारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, तो जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो क्या करता है, पंपिंग करता है, ब्रीथ कर, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, सांस हम रोक सकते हैं, नहीं, हम सांस नहीं रोक सकते हैं, यानी कंटिन्यू हम ब्रीथ करते हैं, चाहे हम जग रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, रात को सोते टाइम भी हम ब्रीथ करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है। द हार्ट बीट ऑल द टाइम टू पंप ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, धड़कता है, यानी कि वो सर्कुलेट करता है, पंप को, ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क आवर बॉडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, और इस काम को करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी, अब ये ताकत आती कहाँ से है, इतना सारा हम वर्क करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं, हम खेलते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है। वाई वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हमारे पास आंसर आ गया कि हमें ये सारी ताकत कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए हमको भोजन की जरूरत होती है। टू स्टडी, प्ले एंड वर्क, ग्रो एंड कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, ये एनर्जी हमें पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, काम करने के लिए, बढ़ने के लिए और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए काम आती है, यानी भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम ये सारे काम कर सकते हैं। देखिए अब
आगे हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषण, जिससे हमको पोषण मिलता है। ठीक है, सारी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग फूड से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, मिलती है ना, किसी में विटामिन होता है, किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किसी में मिनरल्स होता है। तो ये सारा जो हमें मिलता है न्यूट्रिएंट, ये सब क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ये अलग अलग फूड से मिलता है। फूड कंटेन अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग फूड जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है न्यूट्रिएंट्स की। द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वो तत्व, द सब्सटेंसेस, वो तत्व जो हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा करती है, एक अच्छी हेल्थ और हम जो बढ़ते हैं उसको बढ़ने में, और एक अच्छी हेल्थ के अंदर जो सब्सटेंसेस काम आते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भोजन के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे भोजन के साथ हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किससे मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है वसा। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक तो शुगर के अंदर और दूसरा स्टार्च। शुगर यानी चीनी जो हम खाते हैं, स्टार्च जब हम आलू खाते हैं, आप सब आलू खाते हैं, तो आलू के अंदर भी क्या होता है? स्टार्च होता है। तो शुगर और स्टार्च इन दोनों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इट्स नीडेड फॉर पीपल डूइंग हैवी फिजिकल वर्क लाइक अ लेबर्स, फार्मर्स, रिक्शास, पुलर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है उन लोगों को जो हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है। ये शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करता है, और सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत फिजिकल वर्क में होती है, तो जो भी फिजिकल वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे लेबर्स हो गए, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो रिक्शा को खींचते हैं, और जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन लोगों को अपने भोजन के अंदर, अपने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखनी चाहिए। वैसे तो हमें सभी तरह का भोजन करना चाहिए, है ना, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिन फूड में, जिस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उस भोजन को? एनर्जी गिविंग फूड। और एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोजन में होता है? राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, बनाना और हनी, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है। ये देखो पिक्चर्स देखिए आप, किस किस के अंदर होता है? आलू में होता है, ब्रेड में होता है, चावल में होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, शुगर में होता है, मेज़ में होता है, बनाना में और शहद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन हेल्प अस ग्रो। प्रोटीन हमें किस चीज़ में मदद करता है? हमें बढ़ने में, हमारी जो हाइट बढ़ती है, हम जो लंबाई बढ़ती है हमारी बॉडी की, वो प्रोटीन खाने से बढ़ती है। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीडेड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। जो बढ़ते उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, जो यंगर्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो टिश्यूज से मिलकर बनी है, ठीक है, तो उन टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, हमारी मसल्स को बनाता है, और जो टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करता है। ओके, फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिन फूड्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, मात्रा ज़्यादा होती है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को बनाता है। जैसे एग, फिश, मीट और पल्सेस मतलब दालें, इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। देखिए पिक्चर के अंदर,
ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो दालें खा करके प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनको तो वैसे ही प्रोटीन बहुत अच्छे से मिल सकता है। ओके, इसके बाद आता है फैट। हम पढ़ने वाले हैं फैट्स के बारे में। फैट्स वो न्यूट्रिएंट होता है जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा, मतलब जिसको खाने से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का, द कीप अस वार्म, जो कि हमको क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है, दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो फूड्स, जिन फूड्स में फैट्स होता है उनको खाने से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी उतनी हमको नहीं मिलती है। फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन फूड के अंदर फैट्स ज़्यादा होता है उनको भी एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, जैसे बटर, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स, ठीक है, जैसे हम मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, ठीक है ना, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा फैट होता है, कहते हैं ना मोटे हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा फ्लफी और ऐसे मोटे हेल्दी इंसान, मतलब फैटी इंसान होते हैं, उनके अंदर क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, उनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और जो नट्स खाते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, मूंगफली, ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो उनके अंदर फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है फैट्स को। ओके, इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स जिन फूड से मिलता है, ओके, जिन फूड से मिलता है वो जो फूड्स होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। जिन फूड के अंदर विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो फूड हम, वो क्या काम करते हैं, वो हमारी बॉडी को किस चीज़ से बचाते हैं, डिजीज से, बीमारियों से बचाते हैं, यानी कि वो हमारी बीमारियों से लड़ने में की ताकत बढ़ाते हैं और हमको हेल्दी रखते हैं। हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज, हमारे बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। वी नीड विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। फूड रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिन फूड्स के अंदर विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनमें विटामिन ज़्यादा होता है, उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे, हमें डिजीज से लड़ने की ताकत देता है। ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग एंड स्प्राउट ग्राम्स आर रिच इन विटामिन्स। सबसे ज़्यादा जो विटामिन्स मिलता है वो फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, मिल्क में होता है, फिश, मीट, एग में होता है, स्प्राउट में भी होता है। यानी कि बोला जाता है ना कि एक एप्पल डॉक्टर से दूर रखता है, ऐसा एक कहावत है, तो यानी फल खाने से हमारी बीमारियाँ जो हैं वो दूर रहती हैं। इसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स, फूड रिच इन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिसके अंदर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें भी प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, इनके अंदर भी मिनरल्स पाया जाता है। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, ये हमको हेल्दी और फिट रखते हैं। दे हेल्प अस बॉडी टू फॉर्म बोन्स, टीथ एंड ब्लड, ये हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ और ब्लड्स को क्या करते हैं, हमारी बॉडी फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स को और हमारी टीथ को मजबूत रखता है, ठीक है। वेजिटेबल्स, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच इन मिनरल्स। इसके अलावा दूध, वेजिटेबल्स और सीरियल्स, अनाज जो हम खाते हैं उन सब में भी क्या होता है, मिनरल्स होता है। इसके बाद आता है कैल्शियम मेक आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो है वो हमारी टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये कैल्शियम किस चीज़ में मिलता है, मिल्क, कर्ड, पनीर, इन सब में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आयरन जो होता है वो भी क्या है, एक मिनरल है। आयरन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लड बनाता है, खून को बढ़ाता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एप्पल्स,
कैरेट्स एक्सेट्रा आर रिच इन आयरन। और सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो हरे पत्तीदार सब्जियों में होता है, जैसे पालक है, सबसे ज़्यादा पालक में आयरन होता है, एप्पल में होता है, कैरेट, इन सभी के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इन एडिशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स आवर फूड मस्ट हैव रफेज एंड वाटर। इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को भोजन के अंदर रफेज और वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो रफेज और वाटर है ये हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। बाकी का जो पूरा चैप्टर है बैलेंस्ड डाइट, डाइजेशन वगैरह, ये सारा हम हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।